हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक मैसेज है कि वी आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ दिस चैनल फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस टू लर्निंग स्टान ऑन 15th अगस्त 2019। यह नाम लर्निंग और हमारा प्यारा हिंदुस्तान से डिराइव किया गया है। आई होप कि चैनल के इस नए नाम से आप सेटिस्फाइड होंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड स्पेशल मोटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, स्टेपर मोटर एंड शो ऑन। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है कि टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर फाइंड्स इंक्रीज एप्लीकेशन एज कंप्रेशर मोटर इन स्मॉल होम एयर कंडीशनर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एयर कंडीशनर में टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर हम क्यों यूज़ करते हैं, कि टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर को हम कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर भी कहते हैं। ये रहा आपके मोटर का कंप्लीट डायग्राम। दिस इज मेन वाइंडिंग, दिस वन इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पर हम शो करते हैं इसके रोटर को, जिसमें कि कॉपर वायर्स यूज होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायरल केज थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसमें दो कैपेसिटर हैं, वन इज रनिंग कैपेसिटर और दूसरा है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि दिस मोटर विल टेक एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर। फर्स्ट इज परमानेंट कैपेसिटर मोटर एंड सेकेंड इज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सो वी गेट लोएस्ट स्टार्टिंग करंट इन दिस मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, पावर फैक्टर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन इज ऑल्सो हाई एंड एफिशेंसी ऑफ दिस मोटर इज ऑल्सो हाई। तो यहाँ से आप इसके ऑप्शंस को रीड करिए। ये कहता है कि टू वैल्यू कैपेसिटर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑप्शन सी में देखिए, इट हैज़ लो स्टार्टिंग करंट एज वेल एज रनिंग करंट एट रिलेटिवली हाई पावर फैक्टर। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस अ रिलक्टेंस मोटर इज प्रीफर्ड, यानी कि इनमें से किस एप्लीकेशन के लिए आप रिलक्टेंस मोटर प्रीफर करते हैं। तो आंसर होगा सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस। सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस के लिए हम रिलक्टेंस मोटर यूज करते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि इफ द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्क्यूटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि हमारे पास सिंगल फेज मोटर है, उसके कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं। यानी कि इस केस में आप वैसे सिंगल फेज मोटर को लोगे जिसमें हम कैपेसिटर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर या फिर टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। यहाँ पे हम कैपेसिटर यूज करते हैं विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग, लेकिन रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में हम कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं। तो अब ऊपर के तीन एग्जांपल में से किसी को भी आप लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि आप अगर उसके कैपेसिटर को शॉर्ट सर्क्यूट करोगे तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को एज एन एग्जाम्पल लिया। तो इसमें जो हम स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज करते हैं वो इसलिए क्योंकि ये कैपेसिटर यूज करने से ये मोटर टू फेज मोटर बनता है, जिसकी वजह से मेन वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट के बीच का जो एंगल होगा इज नियर अबाउट 90 डिग्री। और जब ये नियर अबाउट 90 डिग्री होगा, वैसे केस में इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज वेरी वेरी हाई विथ यूज ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि यदि इसी कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्क्यूट कर दें तो क्या होगा। तो देखिए, यदि हम इसे शॉर्ट सर्क्यूट कर देंगे तो मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस,
और वैसे केस में की वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो ऑप्शन ए में देखिए, द मोटर विल नॉट स्टार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर रन्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर रन करता है सिंक्रोनस स्पीड पर, और एट दिस स्पीड टॉर्क डेवलप्ड इन द मोटर विल बी कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस टॉर्क। सो इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हिस्टेरेसिस मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड ओनली। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्क्यूट बाय मीन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेफ्रिजरेटर में जो हम सिंगल फेज वाइंडिंग यूज करते हैं उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कि इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि इस वाइंडिंग को सर्क्यूट से हम कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आंसर होगा मैग्नेटिक रिले। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, और रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है मेन वाइंडिंग को, और ये दोनों वाइंडिंग स्टेटर पे कनेक्टेड होते हैं, और ये दोनों वाइंडिंग आर प्लेस्ड इन क्वाड्रेचर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कि द मोटर यूज्ड ऑन स्मॉल लेथ इज यूजुअली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्मॉल लेथ मशीन में आप किस तरह के मोटर को यूज करते हैं, तो आंसर होगा सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ देखिए, ये रहा आपका कैपेसिटर रन मोटर, जिसमें कि दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दिस वन इज मेन वाइंडिंग, दिस इज रनिंग कैपेसिटर एंड दिस इज रोटर ऑफ दिस मोटर। ओके, इस मोटर का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। नाउ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डज नॉट ओपन एट 70-80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर, इट वुड रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है इन सिंगल फेज मोटर, जब वो स्विच रनिंग कंडीशन में ओपन ना हो पाए तो क्या होगा। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच, रनिंग कंडीशन में हम इसे ओपन करते हैं ताकि ये पाथ डिस्कनेक्ट हो जाए और मोटर सिर्फ मेन वाइंडिंग पे रन करे। यदि यह स्विच क्लोज्ड कंडीशन में ही रह जाए, वैसे केस में ऑक्सिलरी वाइंडिंग विल बी बर्न आउट। इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए को देखिए, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड ऑफ द सीलिंग फैन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा अप टू 450 RPM। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि सीलिंग फैन में कौन सा मोटर यूज होता है, हम यूज करते हैं यहाँ परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिस्टेरेसिस मोटर इज अ कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, और ये जो स्पीड होती है दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर रन्स ओनली एट दिस स्पीड। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करिएगा अबाउट हिस्टेरेसिस मोटर, इस मोटर को हम मल्टी स्पीड ऑपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो आप कहोगे कि हिस्टेरेसिस मोटर रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, तो फिर मल्टी स्पीड ऑपरेशन में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बात तो फिक्स है कि हिस्टेरेसिस मोटर रन करेगा ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन यदि आपको
डिफरेंट स्पीड पे इसे रन कराना है तो आपको उस मोटर के सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले ये हिस्टेरेसिस मोटर रन कर रहा था 1500 आरपीएम पे, लेकिन अब हमें इसे रन कराना है 1000 आरपीएम पर, तो इसी को तो हम कहेंगे कि हम इसे मल्टी स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए कि जब यह मोटर 1500 आरपीएम पे रन कर रहा होगा, वैसे केस में दिस 1500 आरपीएम इज सिंक्रोनस स्पीड, और जब हम इसे 1000 आरपीएम पे रन कराएंगे तो ये भी होना चाहिए सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। तो सिंक्रोनस स्पीड को आपको चेंज करना है 1500 आरपीएम से 1000 आरपीएम। यदि आप ऐसा करने में सफल रहे तो आप इस मोटर को 1500 की जगह 1000 आरपीएम पे रन करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करना, तो सिंक्रोनस स्पीड को चेंज आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कर सकते हो और नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करने से कर सकते हो। सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो कि 50 हर्ज है, इसको हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके नंबर ऑफ पोल्स को हम चेंज करते हैं। वो कैसे? बाय चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है कि इन अ हिस्टेरेसिस मोटर द रोटर मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा रिटेंटिविटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर के केस में रोटर की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, और जब रोटर की रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो जो बीएच कर्व आपको मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। इसमें दिस इज रिटेंटिविटी बी आर। यदि इस रोटर में रिटेंटिविटी ज्यादा हो, यानी कि इस बी आर की वैल्यू ज्यादा हो, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया है दैट विल बी हाई, सो हिस्टेरेसिस लॉस भी ज्यादा होगा, और जब हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा तो हिस्टेरेसिस मोटर में डेवलप्ड टॉर्क ज्यादा होगा, और यही तो हिस्टेरेसिस मोटर के रन करने की वजह होती है। ओके, नाउ बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि इन अ स्प्लिट फेज मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिस इज स्प्लिट फेज मोटर, और ये रहा इसका मेन वाइंडिंग, यानी कि आप इसे रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, एंड दिस वन इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिंग वाइंडिंग, एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये रहा रोटर। यहाँ से हम सप्लाई देते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई। सो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू अ स्विच। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि थ्योरी इन्वॉल्व इन एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कहता है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, यस दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है कि क्रॉस फील्ड थ्योरी, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी कहता है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी एंड क्रॉस फील्ड थ्योरी बोथ, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर एंड टेप रिकॉर्डर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिस्टेरेसिस मोटर डेवलप्स हिस्टेरेसिस टॉर्क विच इज एक्सट्रीमली स्टीडी बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड फेज। हिस्टेरेसिस मोटर में जो हिस्टेरेसिस टॉर्क डेवलप होता है एंड इट मेंटेन्स कॉन्स्टेंट स्पीड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ अ टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर यूजिंग टू कैपेसिटर्स फेल्स टू ओपन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दिस इज टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, जिसमें दिस इज मेन वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग, दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग, दिस इज रनिंग कैपेसिटर एंड दिस इज स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और क्वेश्चन में कहता है कि
कि अगर ये स्विच ओपन होने के टाइम फेल हो जाए, यानी कि ओपन ना हो पाए, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि यदि यह स्विच क्लोज कंडीशन में ही रहे तो वैसे केस में रनिंग कैपेसिटर एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर बोथ विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी सी रन प्लस सी एस टी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड एज वी नो कि रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू तो लो होती है, बट जो स्टार्टिंग कैपेसिटेंस होता है इसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है। और जब ये दोनों कैपेसिटर ऐड होंगे तो जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी मोर। सो वी कैन से दैट कि वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू कैपेसिटेंस इज हाई एट रनिंग कंडीशन विच में डैमेज द कैपेसिटर्स, यानी कि यहाँ पर कैपेसिटर का ब्रेकडाउन होगा। सो ऑप्शन डी में देखिए, ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी सफर ब्रेकडाउन। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टेंस देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ देखिए, दिस इज कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें कि दिस इज स्टार्टिंग कैपेसिटेंस एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करें एक रेसिस्टर से तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कैपेसिटर यूज करने से जो मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा, सपोज I1, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा सपोज I2, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ये या तो 90 डिग्री होगा या फिर स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री। वैसे केस में यह मोटर बनता है टू फेज मोटर, सो इन दिस केस स्टार्टिंग टॉर्क विल बी वेरी वेरी हाई, और स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए ही हम यहाँ पर कैपेसिटर यूज करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि इस कैपेसिटर को हम एक रेसिस्टर से रिप्लेस करें तो वैसे केस में जो फेज एंगल होगा बिटवीन I1 एंड I2 इज मच लेस देन 90 डिग्री। सो इन दिस केस स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क विल बी लेस। नाउ देखते हैं अब ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है कि टॉर्क विल इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कहता है कि मोटर विल कंज्यूम लेस पावर। ऑप्शन सी कहता है कि मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, ये दोनों गलत है। ऑप्शन डी कहता है कि मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन, यस दिस इज करेक्ट। लेकिन इसके साथ और भी इसे ऐड करना चाहिए कि स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क विल बी लो। ओके, खैर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि लॉक्ड रोटर करंट ऑफ अ शेडेड फोल्ड मोटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉक्ड रोटर करंट इज मोर देन फुल लोड करंट, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्लाइटली मोर देन फुल लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज रिवर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हिस्टेरेसिस मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज डिटरमिन्ड बाय द पोजीशन ऑफ शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल, यानी कि शेडेड पोल का पोजीशन मेन पोल के रिस्पेक्ट में क्या है। यदि हम शेडेड पोल के पोजीशन को शिफ्ट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में कहता है कि शिफ्ट शेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये कहता है कि द पर्पस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इन द कॉम्पनसेटेड रिपल्सन मोटर इज
टू वॉट। कॉम्पेंसेटेड रिपल्सन मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग यूज करते हैं, इसकी वजह से पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज इंक्रीज्ड एंड स्पीड रेगुलेशन विल बी लेस, यानी कि हमें बेटर स्पीड रेगुलेशन मिलेगा और हाई पावर फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ से ऑप्शंस को देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में कहता है कि इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड प्रोवाइड बेटर स्पीड रेगुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस। जितना ज़्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होगा, उतना ज़्यादा इसमें हिस्टेरेसिस टॉर्क होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है कि टॉर्क डेवलप्ड बाय अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ कहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ किसी टाइप के बारे में नहीं बताया गया है, यानी कि ये नहीं कहा है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट है या फिर परमानेंट कैपेसिटर है या फिर टू वैल्यू कैपेसिटर है या फिर शेडेड पोल मोटर है, किस तरह का है इसके बारे में नहीं बात किया है। दिस इज जनरल स्टेटमेंट अबाउट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सो वी नो दैट कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। और यह सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट विल बी जीरो। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ सीरीज मोटर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सीरीज मोटर के लिए सही है। तो यहाँ देखिए, दिस इज अ सीरीज मोटर, जिसमें दिस इज फील्ड वाइंडिंग जो कि आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। ओके, एज वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इज हाई एंड दिस आर्मेचर करंट विल फ्लो थ्रू द सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सो द फील्ड वाइंडिंग नीड्स टू कंसिस्ट ऑफ थिकर वायर एंड लेस नंबर ऑफ टर्न्स। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए को देखिए, ये कहता है कि इट्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ थिकर वायर एंड लेस नंबर ऑफ टर्न्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि विथ सिंगल फेज मोटर वुड यू सेलेक्ट फॉर अ टेप रिकॉर्डर। इनमें से कौन सा टेप रिकॉर्डर के लिए आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ से देखिए कि टेप रिकॉर्डर में हम हिस्टेरेसिस मोटर भी यूज कर सकते हैं या फिर इसमें शेडेड पोल मोटर भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ टेप रिकॉर्डर। यदि हाई क्वालिटी का होगा तो हम हिस्टेरेसिस मोटर यूज करेंगे, और यदि लो क्वालिटी का होगा, लो रेटिंग का होगा, तो हम शेडेड पोल मोटर यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन, वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन हिस्टेरेसिस मोटर इज डिटरमिंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 17 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन हिस्टेरेसिस मोटर इज डिटरमिंड बाय द पोजीशन ऑफ शेडेड पोल विथ रेस्पेक्ट टू मेन पोल, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है कि इन अ कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर्स द फंक्शन ऑफ रनिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज टू वॉट। यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में रनिंग कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के बीच। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रनिंग कैपेसिटर है ये हम क्यों यूज करते हैं। तो दिस कैपेसिटर इज यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में देखिए, ये कहता है कि इम्प्रूव पावर फैक्टर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये पूछा होता कि स्टार्टिंग कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं यहाँ,
तो यहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर इज यूज टू इम्प्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ पर यदि ये पूछता कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कंपेयर करके बताइए कि किसका कैपेसिटेंस लो होगा और किसका हाई होगा, तो आप कहोगे कि रनिंग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विल बी लेस देन स्टार्टिंग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक क्लॉक में हम किस तरह का मोटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वी यूज स्टेपर मोटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक, लेकिन ऑप्शन में स्टेपर मोटर गिवन नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? तो उसके लिए देखिए, ये जो स्टेपर मोटर होता है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एसी सिंक्रोनस मोटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि इन अ टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर यूज्ड फॉर रनिंग पर्पस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में जो हम रनिंग पर्पस के लिए कैपेसिटर यूज करते हैं, दैट मीन्स सी रन, ये किस टाइप का कैपेसिटर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। तो यहाँ से देखिए, दिस इज अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें कि कैपेसिटर इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में कहता है कि इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि इफ रनिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्क्यूटेड देन व्हाट विल हैपन, यानी कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि उसके रनिंग वाइंडिंग को यानी मेन वाइंडिंग को शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इट विल रन स्लोअर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि शॉर्ट सर्क्यूटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स। तो इसका आंसर होगा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्क्यूटर होता क्या है। तो यहाँ देखिए, इन केस ऑफ रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, मोटर के स्टार्ट होने के बाद ब्रशेस को शॉर्ट सर्क्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्क्यूटर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। तो इसके ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन ए में कहता है कि इट रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस ऑफ कम्यूटेटर, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन बी कहता है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग इसका ऑपरेशन नॉइजी होता है, तो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी कहता है कि इन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स इट हैज रिप्लेस्ड द कैपेसिटर मोटर्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, ऑप्शन डी कहता है कि इट इज नॉट इजिली रिवर्स, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि हम रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर को इजिली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में ये हमें बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।